हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? ओके, तो रेडी फॉर द क्लास? सब लोग ठीक चल रहे? ओके, पढ़ाई हो रही है ना? वीडियोस का फायदा ले रहे हो? रिवाइज कर करके पढ़ते रहा करो और क्वेश्चंस करो ज्यादा ज्यादा, ठीक है? ओके बच्चों, तो आज देखो हम लोग वही यूनिट डायमेंशंस कर रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक कि एक नया एप्लीकेशन आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है? डन, वहां तक क्लियर? तो लेक्चर 5 है ये, और इस लेक्चर 5 में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। आप सबको हमेशा समस्या रही है ना कि यार कोई भी डेरिवेशन होता है याद करना पड़ता है, कोई फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो मैं अब इस डायमेंशन से, एक फायदा ये होता है कि कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक? सो वी विल यूज दिस। और फटाफट देखते हैं कि कैसे क्या होगा। 10-15 मिनट में मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से अलर्ट होकर देखना है। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, इसका तरीका समझना। जैसे बोला गया कि फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, अभी तक लिख नहीं रहा हूं, एंड एसिलेशन ऑफ पार्टिकल, डिराइव देयर रिलेशन। यानी कि फोर्स मास और एसिलेशन का रिलेशन क्या होगा, या ये बोल सकते हैं डिराइव इट्स फॉर्मूला, ठीक है? तो एक दो एग्जांपल्स मैं आपको ये समझाऊंगा आज, क्लियर बच्चों? ओके, तो जरा देखते हैं कैसे, अब करना क्या है। अब हमें पता तो है कि फोर्स इन दो पे डिपेंड करा, तो मैं से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मास, ठीक, और एसिलेशन। लेकिन हमें पता नहीं है कि किन पावर्स में रिलेट कर रहा है, कि मास का स्क्वायर है कि क्यूब है कि रूट है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां पर लिख दो आप पावर, लेट इट बी पी, और इसका पावर लिख दो क्यू, ठीक। इधर वाले को लीनियर रहने दो, जिन पे डिपेंड करता है उनके पावर्स लिख दो, एक साइड है, ये लिख दिया मैंने, ठीक। अब प्रोपोर्शनलिटी है, हमें पता है कि भाई फॉर्मूला तब बनता है जब इक्वेट इक्वेट किया जाए। तो इक्वेशन हमने के लिख दिया, के इज अ कांस्टेंट, एम का पावर पी एंड ए का पावर क्यू। मैंने बताया था कि डायमेंशन से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं पता चलता है, ठीक है बच्चों? तो खैर एटलीस्ट वेरिएबल का तो पता चल जाए, कॉन्स्टेंट तो हम याद भी रख सकते हैं, है ना भाई? तो चलो अब ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब हमें यही पी और क्यू निकालना है, करना क्या हमने, समझ गया ना यहां तक कि पहले हमें किस किस डिपेंड करता है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मास एंड एक्सेलरेशन हमने क्या किया, ये हमने इस तरह से इक्वेशन बनाया। पहले प्रोपोर्शनलिटी लिखा, एम का पावर पी एंड ए का पावर क्यू, एंड फिर लिखा के, कॉन्स्टेंट ले आया क्योंकि इक्वेशन इक्वेट करना हमें, तो कांस्टेंट के साथ इक्वेट होगा दोस्तों, ठीक है? तो रिमेंबर इट एंड ध्यान से देखते रहे आप सब लोग, क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखने हैं बच्चों। वी हैव टू राइट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, जो जो वेरिएबल थिंग्स है उनके डायमेंशंस लिखने हमने। तो जस्ट सी दिस कि हाउ विल राइट दिस डायमेंशंस, वो हमने देखना है। तो देखिए क्या करना है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई? ओहो, एम एल टी माइनस टू, इस तरफ का डायमेंशन, दैट इज इक्वल टू, अब के कॉन्स्टेंट का डायमेंशन तो होता नहीं है, मास का डायमेंशन एम, एम का पावर पी लिख दिया, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, इसका पावर हमने लिख दिया क्यू। ये हमने दोनों तरफ का डायमेंशन लिखा है, पावर से निकालने हमने। फिर से मैं देखो इक्वेट थोड़ा सा वो कर रहा हूं, सिंप्लीफाइड, एम एल टी माइनस टू दैट इज इक्वल टू एम का पावर पी, यहां पर एल का पावर क्यू और टी का पावर माइनस टू क्यू आ जाएगा, दिख रहा होगा सबको साफ साफ, ठीक है? ये पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि दोनों तरफ इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन होने का मतलब क्या रहा कि हर एक के पावर सेम होने चाहिए, तभी तो इक्वेट कर सकते हैं। तो यानी एम का पावर पी है, यहां पर एम का पावर कितना है, 1, तो वी कैन राइट पी इक्वल्स टू 1। एल का देखो यहां पे 1 है, यहां पे क्यू है, तो क्यू इक्वल्स टू 1 हो गया।
टी पे चेक करो, टी यहां पर कितना है माइनस टू क्यू, और यहां पर कितना है दैट इज इक्वल टू माइनस टू, कट के क्यू इक्वल्स टू वन आ गया यहां से भी। तो मतलब मेन हमारा तो यही 200 निकल गया था, बट हमने वहां भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है डन, अब हमारा हो गया फॉर्मूला डिराइव्ड, अब इसमें लिख दो बस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, कॉन्स्टेंट एम का पावर पी कितना है 1, ए का पावर क्यू वो भी कितना है 1, तो एफ इक्वल टू क्या होता है के एम ए, वैसे तो फॉर्मूला आया आपको पता है कि यहां पर कॉन्स्टेंट 1 होता है इसलिए एफ इक्वल टू एम ए आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं पता अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको यहीं पे छोड़ देना आंसर, अगर क्वेश्चन में गिवन हो यूज कॉन्स्टेंट 1 तो यहां मान लिख देना, और आपको अगर पता है तो भी लिख देना, ठीक नहीं पता है तो ऐसे छोड़ देना। समझ आई बात सबको, तो इस तरह से ये स्टेप्स है। अभी एक एग्जांपल और आपको देता हूं, थोड़े में ज्यादा काम करेंगे, आपको तरीका पता होगा फिर आप डेरिवेशंस करेंगे। ओके सो आई एम गोइंग टू रब दिस, नेक्स्ट देखिए आप लोग। अब मान लो काइनेटिक एनर्जी बोला गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है, के लिख दिया, डिपेंड किस पे बोल रहे हैं मास पे, तो पावर ए लिख दिया, वेलोसिटी पे पावर बी लिख दिया, दो चीजों में बोला डिपेंड करता काइनेटिक एनर्जी, पी क्यू लिख दो ए बी लिख दो कुछ भी, ये पावर कुछ भी लिख सकते हो आप, डन। ओके तो आप क्या करते हैं, के इक्वल्स टू क्या लिखेंगे कॉन्स्टेंट, छोटा के लिख दिया, चलो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, एम का पावर ए वी का पावर बी, ये के इज अ कॉन्स्टेंट हियर। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, जो मैंने आपको वैल्यूज बताया वो ऐसे लिख देना है, ये के अलग है और ये के अलग है, ये कॉन्स्टेंट वाला की है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी वाला की है। तो चलो दोनों साइड के डायमेंशन लिखते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू, डन, ये आपका फॉर्मूला हो गया, मतलब यही आएगा रिलेशन। कॉन्स्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, मास का चाहिए तो एम, एम का पावर ए, वेलोसिटी का क्या चाहिए एल टी माइनस वन, इसका पावर क्या दे दिया बी दे दिया, चाहे पी और क्यू लिख लो, फिर से एक बार लिखता हूं एम एल टू टी माइनस टू। मेरे दोस्तों बच्चों ध्यान से देखते रहना, एम का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर माइनस बी। ओके डन, ओके तो नाउ क्या अगला स्टेप क्या है भी? बताओ अगला स्टेप क्या है, पावर्स को इक्वेट करना है क्योंकि दोनों डायमेंशन इक्वल है, तो ऑब्वियसली दोनों साइड के पावर्स भी क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, तो ए कितना है यहां से, एम का पावर ए है, यहां एम का पावर कितना है 1 है, ध्यान से देखना, तो ए इक्वल्स टू 1 आ गया। एल का पावर बी है और यहां पे एल का पावर कितना दिया हुआ है 2, तो बी इक्वल्स टू 2। भाई यहां ए और बी दो ही तो अननोन थे, हमारा आ गया है, फिर भी चलो टी को भी चेक कर लेते हैं, टी का पावर कितना है माइनस बी, यहां पर कितना है माइनस टू, इसको भी कट करोगे तो बी इक्वल्स टू ही आ गया, इसे कंफर्म भी हो जाता है कि चलो भैया ठीक निकला है। तो ए वन बी टू, नाउ सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा दैट इज कांस्टेंट के एम का पावर ए, ए कितना है 1, और वेलोसिटी वी, वी का पावर कितना बी दैट इज 2, ये तो काइनेटिक यही तो होता था कॉन्स्टेंट एम वी स्क्वायर। हालांकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होती है, पता है ना दैट इज हाफ, तो दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। मेन समस्या है वेरिएबल थिंग्स का रिलेशन पता चल जाए, तो कांस्टेंट तो यार चलो पता चल जाता नहीं, इतना तो याद रखते ही हो सब लोग, है ना। सो दोस्तों ये था आपका डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज बाय यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन से हमने फॉर्मूलाज डिराइव कर लिया। क्लियर टू यू, एनी प्रॉब्लम? ओके एक बार देख लो आप लोग, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट एक डेरिवेशन और एक फॉर्मूला और डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करना, डन। ओके तो तीसरा फॉर्मूला है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द बॉडी दैट इज सी। यहां पे तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट वेयर द बॉडी इज प्लेस्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। तो तीनों चीजें हमने इस तरह से लिख दिया,
डन, कोई दिक्कत? ओके, सो हियर वही काम जैसे जैसे सिखाया है वैसे वैसे ही करना है, ठीक है? बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से, बिना आप लोगों को डराए हुए। मेरा टारगेट है इजी लगे आपको, ठीक है? बड़ी बड़ी बातें बता के आपको डराना नहीं है कि ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, सब चीज पूरी खिचड़ी डाल देते हैं लोग, ठीक है? तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीका, ये आपका इक्वेशन है, ये हमको फाइंड आउट करना बच्चों, ठीक है? डन, कोई दिक्कत? चलो शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का हमेशा वही रहता है ना, ML टू T माइनस टू, कॉन्स्टेंट का होगा नहीं। मास का A और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एल टी माइनस टू का पावर B, और हाइट, हाइट का मतलब मीटर, L का पावर C, ठीक है? डन, फिर इकट्ठा कर लेते हैं बच्चों, A, L का पावर B, T का पावर माइनस टू बी, यहां से L का पावर C। एक बार और इकट्ठा कर लेते हैं भाई, अभी बात बनी नहीं है, ठीक है? M का पावर A, L का पावर B, L का पावर C, तो L का पावर क्या लिखूंगा? B प्लस C, और T का पावर माइनस टू बी। डन, इकट्ठा कर लेना है, कलेक्ट देम। अब क्या है, इक्वेटी तो करना रह गया, देखा चुटकियों में काम होता है, बहुत ही आसान सा काम है। तो m का पावर a, m का पावर 1, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया। लो भाई, l का पावर क्या, b प्लस c, और इधर l का पावर 2, तो b प्लस c इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक? और यहां पर t देखो, t का पावर क्या, माइनस टू बी, और यहां पर कितना, दैट इज इक्वल टू माइनस टू, तो कट के b इक्वल्स टू आ जाएगा 1, और b यहां पे 1 पुट कर दोगे, समझ गए ना? यहां पर देखो पुट कर रहा हूं, 1 प्लस c दैट इज इक्वल टू 2, तो यहां से c कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, यानी a b c तीनों कितने आ गए हमारे 1। तो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कांस्टेंट m, m का पावर a 1 है, g, g का पावर 1, तो 1 रख दिया, और h का पावर भी 1 है, और यहां पर वैसे तो ऐसे छोड़ दो आंसर, लेकिन अगर आपको चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट 1 होता है, तो एम जी एच, याद आया फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला है। तो यार बड़ा अच्छा काम है ना वैसे देखा जाए तो, कि फिजिक्स में यार कोई फॉर्मूला याद ना आ रहा, बस हमें इतना पता चल जाए किन किन पे डिपेंड करता है, बस फॉर्मूला आ जाएगा। और एक कॉन्स्टेंट का थोड़ा सा दिक्कत है, बट ये है कि हमें इतने में इतना तो याद रह ही जाता है कॉन्स्टेंट होता क्या है, ठीक है ना? डन ना, ओके बच्चों, तो चलो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। इन शॉर्ट छोटी वीडियो है, लेकिन एक काम का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, इस पर अब आपने और प्रैक्टिस करनी है और मेहनत करनी है। फिर अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ और नई चीजें बताऊंगा। तो यूनिट डायमेंशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज, ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ।